हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अपना अगला चैप्टर जो है चैप्टर 4 क्लास 7 सोशल का, जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। अब हम देखेंगे किस तरह से हम ग्रो अप करते हैं एज अ बॉयज एंड गर्ल्स, कहाँ पर कैसे इंपॉर्टेंस है बॉयज एंड गर्ल्स का, वो सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। किसी की भी आइडेंटिटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो लड़का है या लड़की। सोसाइटी जहाँ पर हम रहते हैं या ग्रो करते हैं वो हमें सिखाती है कि किस टाइप का बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल होता है, पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए या पर्टिकुलरली बॉयज़ के लिए। क्या बॉयज़ और गर्ल्स जो है उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम ऑफन ग्रो होते हैं ये सोचते सोचते कि ये थिंग्स जो है एग्जैक्टली सेम होती है क्या हर जगह, बट सारी सोसाइटी जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स की तरह सेम वे से देखती है क्या, ये क्वेश्चन भी हमारे मन में आता है। तो हम ट्राई करेंगे आंसर करने के लिए इन क्वेश्चंस को। इस चैप्टर में पढ़ने के बाद हमें ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट रोल जो है वो असाइन किए गए हैं बॉयज़ और गर्ल्स को, ताकि वो प्रिपेयर हो सकें उनके फ्यूचर रोल्स के लिए एज अ मैन और वुमेन। और हम देखेंगे इसमें मोस्ट सोसाइटीज़ जो है वो वैल्यू करती हैं मैन को और वुमेन को डिफरेंटली, है ना। मैन और वुमेन को एक पोजिशन नहीं दी जाती, बहुत सारी सोसाइटीज़ में ये चीज़ होती है। रोल जो है वुमेन का वो प्ले जो करती हैं और वर्क जो है जो करती हैं, यूजुअली कम वैल्यू दी जाती है उन लोगों को एज कम्पेयर टू मैन। मैन जो रोल प्ले करते हैं या वर्क करते हैं उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ये चैप्टर में हम ये भी एग्जामाइन करेंगे कि किस तरह से इनइक्वालिटीज़ जो है मैन और वुमेन के बीच में वो इमर्ज होती है एरिया ऑफ वर्क पर। आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पर दी गई हैं। कुछ थिंग्स जो है वो रिलेटेड टू मैन है, कुछ थिंग्स जो है वो रिलेटेड टू वुमेन है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कार दिख रही है, कंप्यूटर दिख रहा है, गॉगल दिख रहा है, लिपस्टिक दिख रही है, सीरीज और कूलन दिख रहा है, उसके बैट दिख रहा है, कीज दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अब हम शुरू करते हैं ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s। 1920s में हम समोआ की बात करेंगे। समोआ आइलैंड जो है ये पार्ट है लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स का जो साउथर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। और 1920s में अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट सैमोन सोसाइटी जो थी उसमें चिल्ड्रंस जो थे वो स्कूल नहीं जाते थे। वो बहुत सारी चीज़ें सीखते थे, जैसे किस तरह से केयर करनी है चिल्ड्रंस की, घर के काम कैसे करने हैं, और ओल्डर चिल्ड्रंस ये चीज़ें सीखी जाती थी। हम अडल्ट जो पर्सन है वो नहीं चीज़ें सिखाते हैं। फिशिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी उस आइलैंड पर, और यंग पीपल इसीलिए लर्न करते थे ये चीज़ें, फिशिंग एक्सपेडिशन को अंडरटेक करने की। बट वो लर्न करते थे ये चीज़ को डिफरेंट पॉइंट ऑफ देयर चाइल्डहुड पे, मतलब बचपन से ही वो ये चीज़ें सीखना शुरू कर देते थे। जैसे जैसे बेबीज़ जो हैं वो चलना सीखते हैं, उनकी मदर्स और अदर एडल्ट जो हैं वो उनके ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं। ओल्डर चिल्ड्रंस जो है वो ऑफन यंग जैसे 5 years old जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बोथ बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो उनके यंगर सिबलिंग्स के ऊपर ध्यान देते हैं। बट बाय द टाइम जब बॉय जो है अब 9 years old हो जाता है तो उसे ज्वाइन करना पड़ता है ओल्डर बॉयज़ का ग्रुप, जो लर्न करवाते हैं उन्हें आउटडोर जॉब जैसे फिशिंग या प्लांटिंग कोकोनट्स ये कैसे करना है, ये चीज़ सिखाई जाती है जब उनकी उम्र 9 years old हो जाती है। गर्ल्स जो हैं उन्हें कंटिन्यू करना पड़ता है, स्मॉल चिल्ड्रंस की तरफ ध्यान देना पड़ता है, और एडल्ट जो हैं उनसे डू एरेंट्स फॉर एडल्ट्स, और जब तक वो टीनेजर्स ना बन जाए तब तक। बट एक बार वो टीनेजर बन जाए तो उन्हें बहुत सारा फ्रीडम मिलता है कि एज ऑफ 14 या उसके आगे गर्ल्स जो है उन्हें फिशिंग ट्रिप पर जाने को मिलता है, वर्क करने को मिलता है प्लांटेशन में, और लर्न करने को मिलता है कि बास्केट्स को किस तरह से बनाई जाती है, वीव की जाती है। कुकिंग जो है स्पेशल कुकिंग हाउसेज जो है वहाँ पर होती है, जहाँ पर बॉयज़ जो है वो बहुत सारा वर्क करते हैं, वही गर्ल्स जो है वो हेल्प करती है प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन हमें आते हैं, ये भी आपको साइड बाय साइड देखते रहना है। क्लास 7 सैमोआ चाइल्ड दिया गया है उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में। यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंसेस या कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सपीरियंस बेस पे। अब हम देखेंगे यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हमारा ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में किस तरह से ग्रोइंग अप है मेल का, 1960s की बात है ये। फॉलोइंग इज अडाप्टेड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये चीज़ें एक्सपीरियंस के बेस पर लिखी गई हैं। बीइंग अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड, क्लास 6 के आगे बॉयज़ और गर्ल्स जो थे उन्हें सेपरेट स्कूल्स में जाना कोर्टयार्ड में खेलने को मिलता था फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। बॉयज़ की स्कूल जो है उसमें ऐसा कोर्टयार्ड कोई नहीं होता था और प्ले ग्राउंड जो था वो जस्ट बिग स्पेस बनाई जाती थी, तो स्कूल के पास में बनाई जाती थी, वहाँ बॉयज़ खेल सकते थे। गर्ल्स के लिए चीज़ सिक्योर नहीं थी, सेफ नहीं थी, इसलिए उनके लिए कोर्टयार्ड बनाया जाता था। एक कह सकते फेंसिंग बनाकर बीच में एक एरिया जिसमें वो खेल सकती थी। एवरी इवनिंग एक बार स्कूल जब खत्म हो जाए तो बॉयज़ जो है वो हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स को देखने के लिए रुक जाते हैं क्राउडेड नैरो स्ट्रीट्स पे, और ये गर्ल्स जो हैं वॉक करती हैं स्ट्रीट्स पे और बहुत ही पर्पसफुल उन्हें लगता है वहाँ पर। और ये अनलाइक द बॉयज़ हु आर स्ट्रीट्स एज ए हु यूज द स्ट्रीट एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड इट लाइक है ना, आइडलिंग होना, अकेले खाली टाइम है तो क्या करना है, तो वो लोग वहाँ पर स्ट्रीट पर जाकर लड़के खड़े हो जाते थे, वहाँ प्ले करते थे और चेकआउट करते थे उनकी बाइसिकल्स को। और गर्ल्स के लिए स्ट्रीट जो थी सिर्फ एक प्लेस थी जहाँ से उन्हें सीधे घर जाना होता था। गर्ल्स ऑलवेज ग्रुप में रहती थी परहैप्स बिकॉज वो कैरी करती थी फियर कि उन्हें टीज नहीं किया जाए या किसी के थ्रू उन पर अटैक ना हो जाए, इसलिए वो हमेशा ग्रुप में ही मिलेंगे आपको। और गर्ल्स हमेशा ग्रुप में ही मूव करती थी या जाती थी। ये दो एग्जाम्पल्स रीड करने के बाद ऊपर के हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं, हम जब बड़े होते हैं उसमें बहुत डिफरेंट वेज आते हैं। ऑफन हम सोचते हैं कि उन्हीं वन वे है जिसमें चिल्ड्रन ग्रो अप करता है, और ये क्योंकि मोस्ट फैमिलियर जो होते हैं हमारे ओन एक्सपीरियंस से हम होते हैं। अगर हम एल्डर्स की बात करें हमारे फैमिली में तो हम देखते हैं कि उनका चाइल्डहुड जो है वो प्रोबेबली बहुत डिफरेंट हुआ होगा हम लोगों के चाइल्डहुड से। हम ये भी रियलाइज़ करते हैं कि सोसाइटीज़ जो है क्लियर डिस्टिंक्शन करती है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में, और ये बिगिन होता है बहुत ही यंग एज से। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले लें कि डिफरेंट टॉयज़ जो हैं वो प्ले करने के लिए लड़कियों और लड़कियों के लिए होते हैं। बॉयज़ यूजुअली आप देखिए कार के साथ प्ले करते हैं और गर्ल्स जो हैं वो डॉल्स के साथ प्ले करती हैं। बोथ टॉयज जो है कैन नॉट ओनली फन विद प्ले विथ है ना, जब दोनों के साथ जो भी है अपने अपने खिलौनों के साथ खेलने का मजा कुछ और होता है। वाई आर गर्ल्स देन गिव डॉल एंड बॉयज कार्स? तो ऐसा क्यों होता है कि गर्ल्स को डॉल्स दी जाती है लाके और बॉयज़ को कार? टॉयज जो है एक वे है ताकि बच्चे को आप बता सकें कि डिफरेंट फ्यूचर्स हैं आप लोगों के, आपको इन फ्यूचर के हिसाब से चलना है। जैसे मैन और वुमन का पर्टिकुलर क्या फ्यूचर है, जैसे वुमन है तो उसे आगे जाकर अपने बच्चों को पालना है, और इसलिए हम उसे डॉल देते हैं कि वो उस चीज़ को पहले से ही ट्रेन हो जाए, उस चीज़ में पहले से जानने की कोशिश करें। अगर हम सोचेंगे कि ये डिफरेंट जो है ये क्रिएट किया गया है स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स में हम देखते हैं। गर्ल्स जो हैं वो ड्रेस करना चाहिए, उन्होंने पास ड्रेस व्हाट गेम्स बॉयज शुड प्ले, लड़कियों ने क्या पहनना चाहिए, लड़कियों ने क्या खेलना चाहिए, किस तरह से गर्ल्स जो है उन्होंने टॉक करना चाहिए सॉफ्टली, बॉयज़ जो है उन्हें टफ होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे वेज जो हैं बच्चों को बताने के फिर स्पेसिफिक रोल जो उन्हें प्ले करना है जब वो बड़े हो जाएंगे एज अ मैन और वुमन। उसके बाद लाइफ में ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं सब्जेक्ट्स को जो हम स्टडी करेंगे और द कैरियर्स वी कैन चूज़। जो करियर हम अपने लिए चूज़ करेंगे उसमें हमें पढ़ने को मिलेंगे। मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग हमारी ओन सोसाइटी रोल जो है मैन और वुमन का वो प्ले करता है, वर्क करते हैं, जो वो करते हैं वर्क उन्हें वैल्यू इक्वली नहीं दिया जाता। मैन और वुमन जो है उनके सेम स्टेटस नहीं होते। अब हम देखेंगे लेट अस लुक के हाउ दिस डिफरेंट एग्जिस्टेंस वर्क इन दैट मैनर, किस तरह से ये एग्जिस्ट हुआ है अलग अलग। माय मदर डज नॉट वर्क, ठीक है, ये हमारे इस स्टोरी का कह सकते हैं शीर्षक है, टाइटल है। माँ वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सकर्शन, रोजी मैम नीड्स वॉलंटियर्स, Sharan, Shonali thinks that your wife is not a working person. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हर्षरन जो है जसप्रीत आंटी के हस्बैंड हैं, उनको वो बता रही है सोनाली की मम्मी कि उन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो वाइफ है वो वर्किंग पर्सन नहीं है. हर्षरन ये ऐसा उन्हें बता रही है. बट इजंट दैट करेक्ट आंटी? इज माई मदर इज हाउस वाइफ, शी डज नॉट वर्क. तो वो जो बच्चा है, वो जसप्रीत आंटी का जो बच्चा है, वो कह रहा है कि वो गलत क्या कह रही है आंटी, मेरी मम्मी सिर्फ एक हाउस वाइफ है, वो वर्क नहीं करती. Then Jaspreet, why don't you just relax and let her manage everything for a change? तो ये बात सुनकर जसप्रीत और वो जो शनाली की मम्मी है वो दोनों थोड़े से शॉक हो गए हैं. और फिर जो शनाली की मम्मी है वो अलग से जसप्रीत से मिलती हैं, जसप्रीत आंटी से, और उन्हें कहती हैं क्यों ना तुम एक दिन कोई काम ना करो, सिर्फ रिलैक्स करो, कोई भी चीज़ ना करो, तुम घर में कोई काम नहीं करो. तो जसप्रीत बोलती है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैं स्ट्राइक पे मतलब स्ट्राइक करूँगी, कल से मैं कोई काम नहीं करूँगी, काम ना करने की स्ट्राइक पे मैं बैठ जाऊँगी. नॉट वन विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग टुमारो विद पापा. ओके, तो वो बोलती कि कितना मज़ा आएगा, अब देखते हैं सब चीज़ों को टुमारो, मतलब देखेंगे कल कैसी होती हैं सब चीज़ें. नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 बजे सुबह वो बॉड जसप्रीत के जो हस्बैंड हैं वो कह रहे हैं कि टाइम को देखो क्या हो गया, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ पर है, चिल्ड्रन से तक रेडी नहीं हुए. तो यहाँ जसप्रीत कह रही है मुझे क्या पता, मैं स्ट्राइक पे हूँ. और ये बात याद रखना, मंगला जो है वो भी काम तक नहीं आ रही है, तो वो काम भी मैं नहीं करूँगी. तो जसप्रीत के हस्बैंड बोलते हैं ओ हो, दैट्स द स्कूल बस भी आ गई है, बच्चे भी तैयार नहीं हुए, इसका मतलब मुझे बच्चों को कहाँ छोड़ना पड़ेगा, स्कूल छोड़ना पड़ेगा. हरी हरी आस्क हरी टू स्विच ऑन द पंप. अब यहाँ पर जसप्रीत के पापा, जसप्रीत के हस्बैंड जो है उनके बच्चों को कह रहे हैं जल्दी जल्दी करो, हरी एक्सरसाइज कैसी होती है। तो स्टोरी जो हमने पढ़ी उसमें हरमीत की मदर जो थी वो नॉट ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क, वो सिर्फ घर का काम नहीं करती थी, इतना ही नहीं थी, अ लॉट ऑफ वर्क वॉज डन बाय मंगला। मंगला भी बहुत सारे काम करती है, उनका डोमेस्टिक हेल्पर वो जो थी, उनकी मंगला जो थी वो डोमेस्टिक हेल्पर थी। यहाँ पे हेल्पर थी, मैनी होम्स पर्टिकुलरली टाउन्स और सिटीज़ जो हैं वो एम्प्लॉय करते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स को। जो सर्वेंट्स हमारे घर में होते हैं, जैसे कह सकते हैं मेड जो होती है, और वो बहुत सारे काम करते हैं जैसे स्वीपिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, डिशेस, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रंस और एल्डरली। बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं वुमेन, मोस्टली वुमेन होती हैं। कभी कभी इवन यंग बॉयज़ या गर्ल्स जो है उन्हें एम्प्लॉय किया जाता है इस टाइप के वर्क्स करने के लिए। वेजेस बहुत कम होते हैं, सैलरी उनकी बहुत कम होती है, एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, क्योंकि डोमेस्टिक वर्क को कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं उनके दिन की शुरुआत करते हैं बिल्कुल सुबह 5 बजे से और बिल्कुल रात को 12 बजे तक उनका काम चलते रहता है। इस हार्ड वर्क के अलावा भी उनका एम्प्लॉयर जो है वो शो नहीं करता कोई भी रिस्पेक्ट, मतलब आप उनको फिर भी कोई रिस्पेक्ट शो करते हो, इतना उनका हार्ड वर्क देखने के बाद भी। यही जो चीज़ है वो है मिलानी के साथ। एक डोमेस्टिक वर्कर है जिसने कहा अपने एक्सपीरियंस के बारे में, वर्किंग इन डेली, माई फर्स्ट जॉब वॉज विद द रिच फैमिली दैट लिव इन अ 3-story हाउस। मेरा पहला जॉब जो था वो एक बहुत ही अमीर फैमिली के साथ था जो 3-story हाउस में रहते थे। मेम साहब बहुत ही स्ट्रेंज थे, एज शी शुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी जब भी कोई काम उन्हें हमसे करवाना होता था। मेरा वर्क किचन में था। देयर वर 2 other girls who did the cleaning। घर की साफ सफाई के लिए 2 और लड़कियाँ थीं। हमारा दिन जो था सुबह 5 बजे शुरू होता था। ब्रेकफास्ट के लिए हमें कप ऑफ टी मिलता था और 2 rye रोटीज मिलती थी। वी कुड नेवर गेट द 3rd रोटी, अगर हम चाहें भी तो हमें 3री रोटी नहीं दी जाती थी। इवनिंग में जब मैं फूड जो है वो कुक करती तो 2 other लड़कियाँ जो थी बैग में तो थी हमें एक्स्ट्रा रोटी, और वो जो 2 लड़कियाँ थी वो मुझे कहती कि हमें एक एक्स्ट्रा रोटी दे दो। मैं सीक्रेटली कभी कभी उन्हें एक्स्ट्रा रोटी दे देती और एक्स्ट्रा बना लेती मेरे लिए भी। हम बहुत ही भूखे हो जाते थे क्योंकि पूरा दिन हमें काम करना पड़ता था। या तो हमें चप्पल्स पहनने को मिलती थी घर के अंदर, विंटर में भी हमारे फिट जो हैं वो स्वेलअप हो जाते थे ठंड के कारण। मुझे बहुत ही स्कैर्ड फील होता था जब मैम साहब का बहुत डर मुझे हमेशा रहता था कि वो कभी मुझ पर एंग्री या ह्यूमिलेटेड ना हो जाए। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या हम पूरा दिन काम नहीं करते थे? क्या हम डिजर्व नहीं करते कि हमें ट्रीट किया जाए रिस्पेक्ट के साथ में? ये चीज़ मिलान ने कही है। इनफैक्ट व्हाट कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व बहुत सारे डिफरेंट टास्क इसमें होते हैं। हाउस वर्क में सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बहुत डिफरेंट टास्क पर आपको काम करना पड़ता है। नंबर ऑफ दिस टास्क जो है उसके लिए हैवी फिजिकल वर्क की जरूरत पड़ती है। बहुत रूरल और अर्बन एरियाज़ में वुमेंस और गर्ल्स जो हैं वो फेच करती हैं वाटर को दूर दूर जाकर। रूरल एरियाज़ में वुमेन और गर्ल्स जो है उन्हें हैवी हेडलोड जो है वो लेने पड़ते हैं फायरवुड के। टास्क जैसे वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग, पिकिंग अप लोड्स या रिक्वायर बेंडिंग, इनके सबके लिए क्या झुकने की ज़रूरत पड़ती है, लिफ्टिंग या कैरिंग की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे चोर्स जैसे कुकिंग है, इसके अंदर स्टैंड होना आपको बहुत ज़रूरत है, बहुत देर तक आपको खड़े रहना पड़ता है और स्टोव के सामने। वर्क वुमन का जो है वो स्टेरनियस और फिजिकली डिमांडिंग है। वर्ड्स वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन, जिन्हें हम ये जो वर्ड्स हैं स्टेरनियस और फिजिकली डिमांडिंग, ये जो वर्ड्स हैं हम मैन के साथ हमेशा यूज़ करते हैं, लेकिन हाउस वर्क में भी इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अनदर एस्पेक्ट जो है हाउस वर्क का और केयर गिविंग का, दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। इनफैक्ट एडअप करें अगर हम हाउस वर्क को और वर्क को, तो वुमेन जो है आउटसाइड द होम हम देखते हैं कि वुमेन स्पेंड करती है मच मोर टाइम वर्किंग दैन मैन एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लेजर, है ना। उनके आराम या कह सकते हैं कि शौक को पूरा करना उन्हें नहीं मिलता, लेकिन उन्हें अपने काम को पूरा करने के लिए बहुत समय देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू मैन। कुछ डाटा यहाँ पर दिया गया है स्पेशल स्टडी करके जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने की थी 1998-99 में। आप देख सकते हैं किस तरह से है। स्टेट हरियाणा और तमिलनाडु की बात करते हैं। वुमेन्स जिन्हें पे किया जाता है वर्क are low value attached to women's household, and caregiving work is not an individually or family matter. ये कोई individual family matter नहीं है, पूरी society का matter है. आपको हर जगह ये चीज देखने को मिलेगी. एक part है larger system का हमारे inequality का जो man और woman के बीच में होती है, और इसीलिए ये dealt किया गया है actions के साथ में कि not just the level of individual या फिर family, पर ये government का ही पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि actions है. As we know how, as we now know, equality important principle हमारे constitution का. Constitution कहता है कि male और female जो है should not become a reason of discrimination. उनके बीच में या उन दोनों को कोई भी discrimination का reason नहीं बनना चाहिए. Reality में inequality जो होती है वो sexes के बीच में exist होती है. Different the government जो है वो therefore commit करती है कि understand करेगी reasons को इन चीज़ों के लिए और positive steps जो है वो लेगी ताकि remedy जो है इस सिचुएशन के लिए मिल पाए, सोल्यूशन जो है वो मिल पाए. फॉर एग्जाम्पल वो रिकॉग्नाइज करेगी कि बर्डन जो है तो चाइल्ड केयर या हाउस वर्क पे फॉल्स और वुमेंस एंड गर्ल्स. ये आप देख सकते हैं कि जो वुमेंस और गर्ल्स हैं उन्हीं के ऊपर इस चीज़ का बर्डन आता है. देख सकते हैं आप यहाँ पर आंगनबाड़ी लिखा हुआ है और यहाँ पर चिल्ड्रन एट द आंगनबाड़ी सेंटर इन द विलेज ऑफ मध्य प्रदेश. आंगनबाड़ी में इस तरह से बच्चे बैठे हैं. ये नेचुरली इम्पैक्ट है जहाँ पर गर्ल्स जो हैं उन्हें अटेंड करने को मिलता है स्कूल, और ये डिटरमाइन करता है कि वेदर वुमेन जो है वो आउटसाइड वर्क कर सकती हैं घर के, और किस टाइप का जॉब जो है करियर जो है उनके पास होता है. गवर्नमेंट जो है उन्होंने सेट की है आंगनबाड़ी, स्कूल, चाइल्ड केयर सेंटर्स को बहुत सारे विलेजेस में हमारे कंट्री के. गवर्नमेंट ने पास किए हैं कुछ लॉज ताकि मैंडेटरी बन सके उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके पास मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉय है, ताकि अच्छे फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सके. और ये प्रोविजन जो है ग्रेजुएट्स का वो हेल्प करता है वुमेन को ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके घर के बाहर, और इसी के कारण ये पॉसिबल हुआ है बहुत सारी गर्ल्स के लिए कि वो स्कूल अटेंड कर सकें. व्हाट डू यू थिंक दिस पोस्टर इज ट्राइंग टू से? आपको क्या लगता है ये पोस्टर क्या कह रहे हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तीनों पोस्टर्स में हमें वुमेंस ही दिख रही हैं, वुमेंस खड़ी हुई हैं, वुमेंस कर रही हैं काम. तीनों चारों जितने पोस्टर्स हुए हैं इसमें लिखा भी है, मैं हर कहीं मौजूद मेरी अब देखी और नहीं संभव, कौन सी है तुम्हारी उपलब्धि जिसमें मेरा वही हर भाग जिसमें मेरा नहीं यह भाग, औरत को चाहिए अपना अधिकार. तो ये हर जगह औरत आपको दिख रही है. ये पोस्टर जो दूसरा में है वो क्रिएट किया है वुमेंस ग्रुप ने जो बंगाल में है. कुछ इंटरेस्टिंग स्लोगन आप इस पोस्टर के लिए लिख सकते हैं कि आपको ये बता रही है. आप देख सकते हैं कि माता के साथ कितने वर्क और जो है वो लेडी कर रही है, उसके इतने सारे हाथ बताए हैं. तो ये और बहुत अच्छा पोस्टर है. इस तरह से फ्रेंड्स इस चैप्टर को भी हमने यहाँ कंप्लीट किया है और पता चला इस चैप्टर में कि किस तरह से बॉयज़ और गर्ल्स का इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में, किस तरह से मैन और वुमेन के इनइक्वालिटी को देखा जाता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं. ये सारी चीज़ों को हमने इस चैप्टर में कवर किया है.